Hello students, welcome to class 7. I hope you must be feeling energetic and lively by becoming a class older. हमने भी आपके लिए कुछ prepare किया है. हमने क्या prepare किया है? हमने आपकी English 7 की book को videos में convert किया है. अब what does that mean? This means कि आपको अपने English 7 के सारे chapters video form में मिलने वाले हैं. और उन chapters में आपको मिलेगा वर्ड बाय वर्ड चैप्टर एक्सप्लेनेशन, देन उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा, क्लियर कट आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा और एग्जाम में टीचर कहीं से भी किसी भी लाइन से किसी भी पैराग्राफ से कोई भी क्वेश्चन बनाएंगी तो आप इजीली उसको आंसर दे पाओगे क्योंकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका होगा. सो आज हमारी वीडियो है, चलिए अपना बुक 7 का चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. So this is our today's chapter, chapter 2, and the name of the chapter is Give Me a Break. Iska introduction dikhte hai. Work with your partner and discuss the complaints teenagers usually make about the members of their family. Make a list of the common ones. My parents or family members are always telling me what to do. Turn down all my requests for attending parties. Disapprove of almost all my friends. So introduction में basically हमें chapter का एक summarized form दिया गया है कि chapter basically है किस बारे में. So ये chapter है teenagers और उनकी problems के बारे में. Like जो grown up student होते हैं, like 13 या 14 years के जो student होते हैं, वो teenage में जाने लगते हैं. और teenage में जाने से क्या होता है कि उनके जो बॉडी है या उनके जो ब्रेन है उसमें कुछ डेवलपमेंट होने लगते हैं. लाइक वो सोचते हैं कि जो पेरेंट्स हैं अगर वो उनको सही बात बता रहे हैं तो उनको लगता है कि पेरेंट्स उन पे अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं या पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो चीज सही नहीं है. वो मतलब उनकी जो आजादी है, जो उनका फ्रीडम है, उसमें वो इंटरप्ट कर रहे हैं. सो ये इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, आपको अपने क्लासमेट जो पार्टनर आपके साथ बैठता है उसके साथ डिस्कस करना है और वो उन कंप्लेंट्स को लिखना है जो टीनेजर्स मोस्टली अपने पेरेंट्स या अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बताते हैं. लाइक कुछ टीनेजर्स कहते हैं कि मेरे पापा मुझे बाहर नहीं जाने देते या मोबाइल यूज नहीं करने देते. कुछ बोलते हैं कि मैं अपने फ्रेंड के साथ नहीं जा सकता या पैसे खर्च नहीं कर सकता. सो डिफरेंट टीनेजर्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम होती है. तो ऐसे ही आपको अपने पार्टनर के साथ बात करनी है और ये पता लगाना है कि टीनेजर्स की मोस्टली क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. जैसे फर्स्ट में पेरेंट्स हमेशा बोलते रहते हैं ये करो ये मत करो, या फिर जब वो पार्टी पे जाना चाहते हैं, बाहर कहीं फ्रेंड के साथ गेट टुगेदर पे जाना चाहते हैं तो पेरेंट्स हैं वो मना कर देते कि नहीं नहीं जाना, वो फ्रेंड सही नहीं है या उसी संगति में मत रहो. एंड थर्ड इज जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उनको बिल्कुल डिसअप्रूव कर देते हैं कि ये जो फ्रेंड्स है, जो ग्रुप है, ये अच्छा नहीं है और तुम इन लोगों से दूर रहो. सो बाकी यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम टीनेजर्स की लिखनी है इन गिवन स्पेस में. इसका बी पार्ट देखते हैं. Have you ever been a victim of peer pressure? If yes, how you have dealt with the problem? Second part में वो पूछ रहे हैं कि क्या आप कभी peer pressure का victim बने हैं? Peer pressure क्या होता है? Peer pressure वो pressure होता है जब आप अपने किसी friend को देखते हैं. Peer मतलब friend होता है. जब आप अपने किसी friend को देखते हैं कि उसके पास बहुत अच्छा pen है तो मुझे भी ऐसा pen चाहिए, या फिर वो बहुत अच्छी कार से स्कूल आता है मुझे भी ऐसी कार से स्कूल आना है. मतलब जो भी आप उसके पास देखते हैं आपका वो लेने का मन हो और उस ना लेने की वजह से, सपोज आपके पास वो चीजें नहीं आ सकती, आपके पेरेंट्स आपको नहीं दिलाएंगे या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ नहीं करती ऐसे कुछ करने के लिए. सो जो प्रेशर आपके माइंड पे डेवलप होता है उस टाइम अपने पीयर को देख के, अपने फ्रेंड को देख के, उसको बोलते हैं पीयर प्रेशर. जब आप अपने फ्रेंड के जैसे बनना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग लेकिन बन नहीं पाते. सो इसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको कभी भी कोई ऐसा प्रेशर फील हुआ है किसी अपने पीयर को लेके, और अगर हुआ है तो आपने उस समय उस सिचुएशन को कैसे मैनेज किया, वो आपको यहाँ पे लिखना है. थर्ड पार्ट में आपको पीयर प्रेशर के बारे में बताया गया है. ठीक है, जो अभी मैंने बताया वही इसमें लिखा हुआ है कि पीयर प्रेशर क्या होता है कि वेन यू डू समथिंग बिकॉज यू वॉन्ट टू फील एक्सेप्टेड एंड वैल्यूड बाय योर फ्रेंड. जब आप कुछ ऐसा काम करते हैं
कि जिससे आपके जो फ्रेंड्स है आपको एक्सेप्ट कर ले, लाइक आप कोई डेयरिंग वाला वर्क करते हैं या आप किसी गेम में जीतने की कोशिश करते हैं, जिससे जो आपका ग्रुप है, जो आपका फ्रेंड है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, वो आपको एक्सेप्ट कर ले, उनके सामने आपकी इज्जत बढ़ जाए, उनके सामने आपकी वैल्यू बढ़ जाए। तो ऐसा करने में कभी कभी क्या होता है कि कुछ गलत काम भी हो जाते हैं, कुछ ऐसे काम भी हो जाते हैं जिनके लिए शायद हमारी फैमिली हमें अलाउ नहीं करती, तो हम क्या करते हैं अल्टीमेटली फिर अपनी फैमिली से वो चीज छिपाने लगते हैं। सो उसमें ये बताना है कि क्या आप कभी किसी ऐसे प्रेशर का आपने सामना किया है, और अगर किया है तो आपने सिचुएशन से खुद को कैसे बाहर निकाला या आपने वो सिचुएशन कैसे हैंडल की। ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, अब अपना मेन चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज लेट्स गेट स्टार्टेड। काउंसलर स्पीक्स टू प्रणॉय। अब इस चैप्टर के हमारे दो पार्ट है, दो पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट में जो प्रणॉय है लड़का, जो टीनेजर लड़का है, वो अपनी प्रॉब्लम लेके अपनी पीटीएम में आता है अपनी काउंसलर से, अपनी जो साइकोलॉजी की जो काउंसलर बैठी है उनसे बताने। एंड सेकेंड पार्ट में प्रणॉय की मदर आती है प्रणॉय की कंप्लेन करने। तो फर्स्ट पार्ट में लिखते हैं प्रणॉय उन टीचर से क्या कंप्लेन करता है। ही वॉज अ लैंकी बॉय एंड टॉलर देन द अदर बॉयज ऑफ हिज क्लास क्लास 12th। He also had long hair and the counselor wondered why his class teacher had not checked him for it. May I come in? He asked the doctor. Yes, please do. So chapter start होता है कि जो counselor है बता रही है कि उनके पास एक लड़का आया, एक lanky boy है। lanky क्या होता है? lanky होता है पतला दुबला सा लड़का, जिसकी टांगे हाथ है बहुत पतले पतले से होते हैं, उसे कहते हैं lanky। तो ये जो लड़का है प्रणॉय क्लास 12th में पढ़ता है और ये अपनी पीटीएम में आया है काउंसलर से कुछ डिस्कस करने। तो काउंसलर उसको देख के सोचती है कि इसने जो इतने बाल बढ़ा रखे हैं, अभी स्कूल में है और इसने इतने लंबे लंबे बाल कर रखे हैं, क्या ऐसी क्लास टीचर्स को देखती नहीं है कि इसने कितने लंबे बाल कर रखे हैं और काटने के लिए क्यों नहीं बोलती है। वो ये सोचती है, तभी वो बोलता है कि मैं कम इन, कि मैम क्या मैं अंदर आ जाऊं। तो काउंसलर उसको अंदर आने के लिए बोलती है। ही केम इन एंड सेट डाउन विद अ हैवी साय। ही सेड माय नेम इज प्रणॉय मैम, कुड यू प्लीज स्पीक टू माय पेरेंट्स व्हेन दे कम फॉर द पेरेंट टीचर मीटिंग। दे आर सो क्रिटिकल अबाउट एवरीथिंग दैट लिविंग एट होम इज लाइक हेल। दे आर इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू देम। आई डोंट डू एनीथिंग राइट। फॉर गॉड सेक गिव मी अ ब्रेक। आई एम नॉट अ लिटिल किड। आई डू नो हाउ टू कंडक्ट माई सेल्फ एंड आई नो वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू, बट आई हैव टू बी इंस्ट्रक्टेड ऑल द टाइम। Is this any way to live? So, ये सारी बातें प्रणॉय काउंसलर से कहता है और उनसे बताता है कि मैम मेरा नाम प्रणॉय है और क्या नेक्स्ट टाइम जब मेरे पेरेंट्स पीटीएम में आएंगे आपसे मिलने, आप उनसे कुछ बातें कर सकती हैं। वो बातें क्या है? वो ये है कि वो हमेशा बहुत सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। लाइक मतलब उस घर में रहना इतना मुश्किल है कि ऐसा लगता है कि मैं किसी नर्क में रह रहा हूँ, मैं किसी हेल में रह रहा हूँ। वे पेरेंट्स बिल्कुल इम्पॉसिबल है, उन्हें समझना बहुत ही मुश्किल है। उनके अकॉर्डिंग मैं कोई भी काम ठीक से नहीं करता। भगवान बचाए मुझे ब्रेक दो। मतलब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि हमेशा जो वो ऑर्डर देंगे या जो वो कहेंगे मैं वो करता रहूंगा। मुझे भी पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और मुझे ये भी पता है कि क्या मेरे लिए सही है क्या मेरे लिए गलत है। लेकिन हर समय मेरे फादर हमेशा मुझे इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं कि ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ। मतलब क्या जरूरी है कि हमेशा मुझे इंस्ट्रक्शंस ही मिलती रहे? क्या ये जीने का कोई तरीका है? मैं इस तरीके से बिल्कुल फेडअप हो चुका हूँ, मैं तंग आ चुका हूँ अपने पेरेंट्स से। सो नेक्स्ट टाइम जब वो आपसे मिलने आए पीछे में, तो आप उनको मेरी तरफ से बोल देना कि मुझे उनकी इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब ये बोला प्रणॉय ने काउंसलर से। अब देखते हैं काउंसलर प्रणॉय को क्या समझाएगी, मतलब वो उसकी बातों से क्या समझी है। आई कैन सी डेट यू आर बोथ अपसेट एंड एंग्री। हैज दिस बीन अफेक्टिंग यू सिंस ओनली रिसेंटली? शी आस्क्ड। नो मैम, इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस। इट इज जस्ट दैट ड्यूरिंग द लास्ट वन ईयर आई हैव बीन फाइंडिंग इट अनबियरेबल। वॉट डू दे नॉर्मली आस्क यू टू डू एंड वॉट आर द थिंग्स They ask you not to do। So काउंसलर उसे पूछने की कोशिश करती है, समझने की कोशिश करती है कि एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से शुरू होती है। तो उसे पूछते हैं कि हाँ मुझे लग रहा है तुम देख के कि तुम थोड़े से परेशान हो और तुम गुस्से में भी हो, तो ये बताओ कि क्या ये अभी होना शुरू हुआ है पिछले कुछ टाइम से या ये शुरू से ही होता आया? तो प्रणय कहता नहीं मैम, ये तो शुरू से ऐसे ही होता आया है, मुझे हमेशा से ही वो लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं और
बस पिछले लास्ट ईयर से ये चीज को ज्यादा बढ़ गई है, मतलब पिछले एक साल से ऐसा हो रहा है कि अब ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो रही है, जबकि था ये शुरू से, मेरे पेरेंट्स शुरू से ही ऐसे हैं। सो काउंसलर उससे पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ तुम्हें नॉर्मली क्या करने के लिए बोलते हैं और क्या करने के लिए तुमको मना करते हैं। फ्रेंकली आई एम सपोज फ्रॉम डूइंग एनीथिंग आई वॉन्ट टू डू एंड आई एम टोल्ड टू डू एवरीथिंग आई डोंट वॉन्ट टू। फॉर एग्जाम्पल I'm supposed to study every day for long periods. I'm not supposed to interact with friends except on weekends. They do not allow me to use the phone. I have my mobile and generally use that. It is only when my card is exhausted that I use the landline. तो प्रणय हमको बताता है कि ये शुरू से ही था और पिछले लास्ट ईयर से ये चीज को ज्यादा बढ़ गई है। तो काउंसलर से पूछती है अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ कि ऐसे कौन सा काम है जो वो तुमको करने के लिए बोलते हैं और ऐसे कौन सा काम है जिसको करने को वो मना करते हैं। तो प्रणय बोलता है कि मैम वैसे तो मुझे हर काम करने के लिए मना करते हैं जो मुझे करना अच्छा लगता है और हर वो काम करने के लिए बोलते हैं जो करना मुझे अच्छा नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल वो चाहते हैं कि मैं हमेशा डेली बहुत ज्यादा घंटों तक बस पढ़ता रहूं और कुछ ना करूं जो मुझे अच्छा नहीं लगता करना, और जो मुझे करना अच्छा लगता है लाइक मुझे अपने फ्रेंड से बात करना अच्छा लगता है या उनके साथ वीकेंड पे बाहर जाना अच्छा लगता है उसको करने से वो हमेशा मना कर देते हैं। वो मुझे फोन भी नहीं यूज करने देते, मेरे पास मोबाइल है और मैं उसको ही यूज करता हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो मोबाइल का कार्ड है वो खत्म हो जाता है उसकी वजह से मुझे लैंडलाइन को यूज करना पड़ता है और उनको उसमें भी प्रॉब्लम होती है, वो मुझे लैंडलाइन को भी यूज नहीं करने देते। Could it be that they are concerned about your board exams? She queried. I don't see why. I was okay in the 10th class board examination. I got a good percentage and the stream of my choice, he said. तो काउंसलर कहती है हो सकता है कि वो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए परेशान हो, लाइक तुम 12th में हो, तुम्हारा इस साल बोर्ड है, हो सकता है वो इसलिए तुम्हें पढ़ने के लिए बोलते हो। तो प्रणय कहता है नहीं मैम, मेरे 10th में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और मुझे मेरी पसंद की ही स्ट्रीम मिली थी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरे पेरेंट्स ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। Why don't you explain things to them gently? Good God, there is no gentle talking in my house. Dad just yells at me. What about your mother? Well, she doesn't yell but always supports both my dad's viewpoint and his actions. So counselor प्रणय से बोलती है कि तुम उन्हें आराम से समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते कि भाई ऐसा मत करो, मुझे थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए, थोड़ा सा मेरी सोशल लाइफ भी मुझे जीने दो, ये बात तुमने समझा सकते हो ना प्यार से। तो प्रणय कहता है कि मेरे घर में प्यार से समझाने वाली कोई भी चीज नहीं बची है, मेरे पापा को मेरे डैड को बस एक ही काम है हमेशा मुझ पे चिल्लाना। तो काउंसलर पूछ रही है तुम्हारी मदर का क्या रोल है, मतलब तुम्हारी मम्मी कुछ नहीं कहती है जब पापा चिल्लाते हैं। तो प्रणय कहता है कि मेरी जो मदर है वो मुझ पे चिल्लाती तो नहीं है लेकिन वो हमेशा पापा को ही सपोर्ट करती है, पापा के एक्शंस में भी और उनके व्यू पॉइंट में, मतलब जो मदर है उनका पूरा सपोर्ट पापा की तरफ रहता है। सो इफ आई गेट यू राइट यू फील काइंड ऑफ ट्रैप्ड बिटवीन वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड वॉट यू आर अलाउड टू डू एंड दैट्स मेक्स यू एंग्री दैट्स एन अंडरस्टेटमेंट आई फील लाइक हिटिंग आउट। सो काउंसलर कहती है कि तुम्हारी बातों से मुझे अब तक ये समझ में आया कि तुम एक तरह से ना फंसा हुआ फील कर रहे हो खुद को, जो तुम करना चाहते हो और जो तुम नहीं करना चाहते हो उसके बीच में। तो प्रणय कहता है कि ये तो बहुत छोटा सा आपने मतलब एक स्टेटमेंट दिया है, मेरी लाइफ जो है इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोनों के बीच में पिस रहा हूं, मैं चक्की हूं और मैं पिस रहा हूं। सो ये था हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जिसमें प्रणय काउंसलर से आके मिलते हैं। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, सेम उसी काउंसलर से प्रणय की मदर आके मिलती है और हम अब पढ़ते हैं कि प्रणय की मदर प्रणय के बारे में क्या बताती काउंसलर को, क्योंकि अब तक हमने ये पढ़ा कि प्रणय ने अपने पेरेंट्स के बारे में क्या बताया, आप जानते हैं इसका दूसरा साइड, स्टोरी का दूसरा साइड। सो काउंसलर स्पीक्स टू प्रणय's मदर ऑन द डे ऑफ द पेरेंट टीचर मीट इट वॉज ओनली प्रणय's मदर हु केम शी वॉज अ स्मार्टली ड्रेस्ड लेडी विद जेंटल मैनर्स एंड कल्चर्ड वॉइस। The counselor told her that Pranoy was feeling some stress at home and that perhaps they needed to work this out to help him relax for his exams. To be frank, we too feel the stress because of him, she stated. Can you elaborate on that? So finally parent-teacher meet ka day aata hai
और उस दिन प्रणय की कोई मदर आती है, मतलब उसके फादर किसी वजह से नहीं आ पाते, तो उसकी मदर आती है और वो काउंसलर से मिलती है। तो काउंसलर देखती है कि वो बहुत एक स्मार्ट लेडी है, उन्होंने अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं और उनको मैनर्स भी आते हैं, मतलब उनके जो मैनर्स है वो बहुत जेंटल है और उनकी वॉइस भी बहुत अच्छी है, मतलब कल्चर्ड वॉइस है। तो कुल मिला के वो एक कल्चर्ड लेडी लग रही थी, एक मैनरिज्म वाली लेडी लग रही थी। तो काउंसलर उनको बताती है कि प्रणय को ना घर पे कुछ टेंशन फील होती है, कुछ स्ट्रेस में आजकल प्रणय, और हो सकता है कि ये उसके एग्जाम की वजह से हो। तो ये सुनते ही प्रणय की मदर बोलती है काउंसलर से कि मैं आपको अगर सही बात बताऊं तो प्रणय तो स्ट्रेस में है ही, लेकिन प्रणय से कहीं ज्यादा स्ट्रेस में हम हैं, मतलब वो तो परेशान होगा लेकिन उसने हम सबको बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। तो काउंसलर बोलती है कि क्या मुझे खुल के समझा सकते हो कि मतलब क्या बात है एग्जैक्टली, ऐसा प्रणय क्या करता है कि आपको स्ट्रेस फील हो रहा है। तो प्रणय की मदर बताती है उनको, यू सी ही हैज बिकम वेरी डिफरेंट एट होम, ही इज डिफाइंट, डिसओबीडियंट एंड डिसरेस्पेक्टफुल स्पेशली विद हिज फादर। ही हैज ऑल्सो गॉट अ सेट ऑफ हाई फ्लाइंग फ्रेंड्स हु हैव अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड। My son tries to keep up with the same standard, which is not possible because we are not that affluent. My son's high demands and my husband's constant taunts, it has not been easy. I have two younger daughters and they are very understanding. They make no demands and are content with the few things we can afford. They stay out of their father's way, generally do what is expected for them. So Pranay ki mother elaborate karti hai counselor se कि जो वो स्कूल में है प्रणय, घर पे वो बिल्कुल अलग है, मतलब स्कूल में प्रणय कुछ और है और घर पे कुछ और है। घर पे वो बिल्कुल डिसओबीडिएंट है, मतलब किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता और किसी से ढंग से बात नहीं करता, स्पेशली अपने फादर से तो बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं करता। उसके कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी बन गए हैं जो बहुत ज्यादा हाई फाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जिनके पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा है। तो मेरा जो बेटा है वो भी उनसे अपना स्टैंडर्ड मैच करने की कोशिश करता है, वो भी चाहता है कि वो उतना पैसा खर्च करे जितना उसके फ्रेंड्स करते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे बेटे की हाई डिमांड्स की वजह से और मेरे हस्बैंड के जो टॉन्ट है, जो टॉन्टिंग है, उनकी वजह से घर में रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। मेरी दो छोटी बेटियां भी हैं जो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मतलब वो कोई भी ऐसी डिमांड नहीं करती जो हमारी पहुंच से बाहर हो। वो जितना उनके पास है, जितना हम उन्हें प्रोवाइड कराते हैं, उसी में बेहद खुश है और वो कभी भी कोई भी अननेसेसरी डिमांड नहीं करती। वो मोस्टली अपने फादर के आगे नहीं बोलती और उसी में खुश रहती है जो उनके पास है, और हमेशा वही काम करती है जो उनसे कहने के लिए कहा जाता है। सो काउंसलर उनसे पूछती है, हाउ ओल्ड आर योर डॉटर्स, आपकी जो बेटियां हैं वो कितनी बड़ी है। The counselor wanted to know. Counselor जानना चाहती थी कि exactly जो बेटियां हैं उनकी एज कितनी है। The older one is 15 and the younger one is 12. It must be really hard on you. Yes, trying to be a buffer between father and son is not easy. Pranoy has become. So वो बताती है कि उनकी जो बड़ी बेटी है वो 15 years की है और जो छोटी बेटी है वो 12 years की है। तो काउंसलर कहती है तो आपके लिए काफी मुश्किल होता होगा प्रणय और उसकी दोनों बहनों को मैनेज करना। तो कहते हैं कि हाँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक गार्ड का रोल निभा रही हूँ, मतलब एक पुल का रोल निभा रही हूँ प्रणय और उसके फादर के बीच में। और प्रणय हैज बिकम इनसेंसिटिव टू द फैमिली सिचुएशन। प्रणय तो फैमिली सिचुएशन के लिए बिल्कुल ही इनसेंसिटिव बन चुका है। ही डज नॉट अंडरस्टैंड दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। I do provide the essentials, but extravagances and undue expenditure have to be cut down. Have you ever tried to discuss things with him? She asked. I'm afraid that will be like throwing water on a duck's back. He's immune to things beyond himself. It is amazing that the girls who are much younger than him understand things so much better and are so accommodating. तो बताते हैं कि प्रणय तो फैमिली कंडीशन से बिल्कुल ही अनजान है। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि फैमिली की क्या कंडीशन है, हम लोग क्या अफोर्ड कर सकते हैं, क्या अफोर्ड नहीं कर सकते। उसको बस चीज से मतलब है कि वो फालतू खर्च कर सके और अपने फ्रेंड के सामने अपना शो ऑफ कर सके। उसको इतना भी पता नहीं है कि उसके फादर और मदर किस तरह से मनी को अर्न करते हैं, कितना हार्डवर्क से वो पैसा ला रहे हैं। उसको बस ये है कि मैं खर्च कर लूं, लेकिन जो फालतू के खर्चे हैं, फालतू के, उसके लिए हम उनको इजाजत नहीं दे सकते, उनको हमें कट डाउन करना ही पड़ेगा। सो काउंसलर पूछते हैं प्रणय की मदर से कि क्या आपने ये सब बातें कभी उससे डिस्कस करने की कोशिश की, उसको समझाने की कोशिश की।
तो वो कहती है कि मुझे डर है कि ऐसा करने से तो वो और ज्यादा खुल के सामने आ जाएगा, वो और ज्यादा बिगड़ जाएगा, क्योंकि उससे उन चीजों की लत लग चुकी है, उसे उन चीजों की आदत लग चुकी है। लेकिन देखने वाली बात है कि वो दो लड़कियां, मेरी बेटियां जो उससे काफी छोटी हैं, वो समझती हैं सब बातें, लेकिन प्रणय उनसे बड़ा होने के बाद भी कुछ भी नहीं समझना चाहता। डू यू टेल प्रणय दिस? आई डू टाइम एंड अगेन, बट ही थिंक्स इट इज बिकॉज आई एम पार्शियल टू द गर्ल्स। Children do not like be compared. They feel it is unfair. Sometimes it gets their back up when they encounter real or imagined partiality. This could be one of the reasons why Pranoy is being difficult, I explained. I doubt it. I feel he is just insensitive to the right and the wrong. So, counselor कहती है कि ये बात आपने कभी प्रणय को बताई कि उसे अपनी बहनों की तरह बनना चाहिए, या उसकी बहनें देखो कितनी छोटी हैं तब भी कितनी समझदार हैं। तो प्रणय की मदर बताती है कि मैं कभी कभी समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उसको लगता है कि मैं उसकी बहनों का फेवर ले रही हूँ, इसलिए उसे ये सब समझा रही हूँ। तो काउंसलर कहते हैं कि बच्चों में साथ ये होता है कि अगर घर में दो तीन बच्चे हों और हम आपस में किसी एक बच्चे को थोड़ा सा तारीफ दे दें या उसको प्रेज दे दें, तो दूसरे वाले को लगता है कि उसके साथ पार्शलिटी हो रही है, या जो पेरेंट्स हैं वो दूसरे वाले को ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे प्यार नहीं करते। सो हमें ऐसा कुछ करने से बचना चाहिए और उनको अच्छे से समझाना चाहिए कि सब में अलग क्वालिटी होती है, वो किसी और चीज में अच्छे हैं और तुम किसी और चीज में अच्छे हो। सो मदर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो समझेगा, अगर मैं उसे इस तरह से भी समझाना चाहूंगी तो मुझे डाउट है कि वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसे अब इस सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे वो बहुत इनसेंसिटिव हो चुका है और उसे घर से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। What areas do you and Pranoy have disagreements on? Mostly about his demands. Most of them involve money, but he also does not realize some basic things. He hardly puts in time for studies, but can spend hours and hours on the telephone. Sometimes our family and friends complain that they can never get in touch with us because the phone is always engaged. To counter this problem, I bought him a mobile phone and gave him a card worth ₹500 every month. This gets over in a week or 10 days and when the landline becomes his. My poor girls. So बताती है, काउंसलर से कहती है कि अच्छा बताइए आपका और प्रणय का बेसिकली किस बात पे ज्यादा मतभेद है, आप दोनों में किस बात को लेकर नहीं बनती। तो उसकी मदर कहती है कि मोस्टली जो वो डिमांड करता है वो मुझे अच्छी नहीं लगती, लाइक उन सभी डिमांड में मोस्टली पैसा इन्वॉल्व होता है, मतलब वो ऐसी डिमांड करता है जिसमें पैसे के खर्च होने की बात हो रही हो, लेकिन वो कुछ बेसिक चीजें में नहीं पहचानता, जैसे उसे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन वो घंटों घंटों अपने फ्रेंड से फोन पे बात कर सकता है। और शुरू में क्या होता था, जब वो लैंडलाइन यूज करता था तो जितने भी रिलेटिव थे या फ्रेंड्स से वो कंप्लेन करते थे कि जब भी आपको फोन मिलाते हैं आपका फोन बिजी जाता है। तो मैंने क्या किया, प्रणय को एक फोन ला के दिया और उसको एक कार्ड दिया ₹500 का जो वो मंथ में यूज कर सकता है, लेकिन वो अपना उस कार्ड को मंथ तो छोड़ो विद इन 10 days ही खर्च कर लेता है और बाद में फिर वो लैंडलाइन पे लग जाता है। और इस वजह से क्या होता है कि हम लोग अपनी बेसिक कॉल्स भी अटेंड नहीं कर पाते और माय पुअर गर्ल्स, बेचारी मेरी जो बच्चे हैं वो भी अपने किसी फ्रेंड से बात नहीं कर पाती। परहैप्स यू नीड टू असर्ट योरसेल्फ मोर, द काउंसलर सजेस्टेड, देन ही बिकम्स मोर डिफिकल्ट एंड आर्ग्यूमेंटेटिव एंड ऑलमोस्ट ब्रूटिश। ओके, लेट मी डिस्कस दिस विद प्रणय। I hope you can make some headway because I am at the end of my tether. So, काउंसलर उनसे कहती है कि ठीक है मैं समझ गई आपकी प्रॉब्लम, लेकिन आप एक काम कीजिए कि थोड़ा सा प्रेशर डालिए प्रणय पे जिससे वो मतलब आपने थोड़े जो वेज है उनको चेंज करे। तो मदर कहती है कि मुझे डर है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो वो और ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब बहस करने लगेगा और वो और ज्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट कर देगा। तो वो कहती है कि ठीक है, काउंसलर कहती है ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो प्रणय मुझे मिलेगा मैं उससे इस टॉपिक पे बात करूंगी। तो उसकी मदर कहती है कि मुझे उम्मीद है कि आप कुछ रास्ते निकालेंगी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ऐसे उस पे आके खड़ी हुई जहां से मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि एक तरफ मेरे हस्बैंड है और दूसरी तरफ मेरा बेटा है और मैं उन दोनों के बीच में फंसी हुई हूँ। सो अब आप ही हैं जो कुछ रास्ता निकाल सकती है। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और चैप्टर कुछ बेसिक बातें भी समझ में आ गई होंगी कि लाइक जो टीनेज होती है वो हमारी लाइफ का क्रूशल पार्ट होती है, उस एज में हमें नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है। सो ऐसे में हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की सुननी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते, वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। सो अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज में हमसे क्या करने के लिए कहा गया है। फर्स्ट इज रीड एंड राइट, आपको
क्वेश्चन पढ़ना है एंड देन करेक्ट आंसर पे टिक करना है. सो फर्स्ट इज प्रणॉय वेंट टू द काउंसलर. प्रणॉय काउंसलर के पास क्यों जाता है? टू कंप्लेन अबाउट हिज पेरेंट्स. यहाँ पे ऑप्शन डी सही है. सेकेंड इज द कॉज ऑफ प्रणॉयज एंगर एंड बीइंग अपसेट वॉज. प्रणॉय के गुस्से का कारण और परेशानी का कारण क्या था? प्रणॉय के गुस्से और परेशानी का कारण था एटीट्यूड ऑफ हिज पेरेंट्स. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, इसको हम टिक कर देंगे. थर्ड इज प्रणॉय थॉट हिज मदर वॉज बेटर देन हिज फादर एज. प्रणॉय को लगता था कि उसकी मदर उसके फादर से थोड़ी ठीक है. किस चीज में ठीक है? शी डजेंट टॉन्ट हिम, क्योंकि वो एटलीस्ट उसको टॉन्ट नहीं करती. तो इस मैटर में उसकी जो मदर है उसके फादर से थोड़ा बेटर है. फोर्थ इज प्रणॉयज मदर टू एडिड टू प्रणॉयज स्ट्रेस वॉज. लेकिन प्रणॉय की मदर भी उसकी परेशानी को बढ़ाती है. कैसे बढ़ाती है? ऐसे वो क्या करती है? बाय सपोर्टिंग हिज फादर. वो प्रणॉय के फादर को सपोर्ट करती है जिससे प्रणॉय की जो परेशानियां हैं वो बढ़ जाती है. फिफ्थ क्वेश्चन प्रणॉयज फ्रेंड्स एडिड टू द मिजरी ऑफ हिज पेरेंट्स बिकॉज. प्रणॉय के जो फ्रेंड थे वो उसकी पेरेंट्स की परेशानी में और बढ़ोतरी करते हैं. कैसे? दे इनकरेज हिम टू स्पेंड मोर मनी. वो उसको इनकरेज करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने घर से लेके आए और उसको उड़ाए. बी पार्ट देखते हैं. कंप्लीट द टेबल टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कन्वर्सेशन प्रोड्यूस एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट. अब यहाँ पर आपको कन्वर्सेशन मिली है प्रणॉय की और मदर की, और यहाँ पे कॉज ऑफ स्ट्रेस आपको प्रणॉय के कॉज ऑफ स्ट्रेस लिखने हैं और यहाँ पे आपको मदर के कॉज ऑफ स्ट्रेस लिखने हैं. एंड सेकेंड कॉलम में आपको क्या करना है? प्रणॉय क्या सोचता है, मतलब उसको क्या लगता है परेशानी किस वजह से है, और उसकी मदर क्या सोचती है कि परेशानी किस वजह से है. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सरसाइज पार्ट. आई होप आपको चैप्टर, उसकी एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज दोनों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए चैप्टर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.